इस पर मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों पर जिनको कोरोना हो गया था उनको हमने टीवी पर ही बताया और फोन पे ही उनको इतला दी कि आप इस तरह से 10 मिनट का एक मेडिटेशन करिए घर बैठ के पांचों तत्वों का इस्तेमाल करिए और उसी से आपके घर पर अगर इस हाथ में पॉजिटिव एनर्जी आती है पॉजिटिव एनर्जी के दो लक्षण हैं एक में वो गर्म आती है और एक में ठंडी आती है अगर बॉडी के अंदर शरीर के अंदर हमारे निगेटिव एनर्जी बन रही है तो वो हाथ पे गर्म आएगी चाहे इस पे आए चाहे इस पे आए अगर वो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा सकारात्मक में बन रही है तो इस पे ठंडा आएगा और इस पे भी ठंडा आएगा जिस इंसान को दोनों हाथ पे ठंडा आए और सर पे ठंडा आए उसको तो करोना टच नहीं कर सकता चाहे दुनिया में वो कहीं पर भी है अगर आदमी को अपने आप ही अंदर से अगर वो जब हम प्रैक्टिकल देंगे और इसमें गर्म आ रहा है या इसमें गर्म आ रहा है तो इसमें गर्म आने से काम चांस है कोरोना लगने के लेकिन अगर इसमें आ रहा है तो कोरोना लगने के चांस हंड्रेड परसेंट है क्यों क्योंकि हमारी शरीर के अंदर जो है वो पूरा सिस्टम बना हुआ है जो आप शरीर देख रहे हैं इसके अंदर है इसमें जो आप ये पॉजिटिव एनर्जी देख रहे हैं ये सेक्रम बॉन्ड है और ये हर हर इंसान के अंदर है चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है जब जन्म लेते हैं हम माँ के गर्भ अवस्था में चार महीने की अवस्था होती है तब ये परमात्मा की शक्ति एक ऊपर से आती है पूरे सिस्टम को तैयार करती है जब दूसरा हिस्सा इसके नजदीक आता है तो इसमें जुड़ता है अपने आप तो डॉक्टर कहता है बच्चे में जान आ गई एनर्जी आ गई और माँ कहती है बच्चे का हिलना शुरू हुआ है तो ये परमात्मा की चीज चल रही है इसमें ना डॉक्टर का पता ना माँ को उसके बाद नीचे चेस्ट को तैयार करती है फिर वॉइड को नाभि को और यहां किडनी को तैयार करके यहां सिक्रम बैंड में जाके बैठ जाती है ये हमारी असली मां है एक मां जिसने जन्म दिया एक मां ये जो पहले से पहले जन्म में भी हमारे साथ थी इस जन्म में भी और लास्ट में भी हमको जजमेंट करेगी कि हमें स्वर्ग मिलेगा जन्नत मिलेगी या नर्क में जाएंगे और इसमें जो लेफ्ट साइड के तीन नाड़ी है ये ईडा लेफ्ट साइड की ऊपर जा रही है और एक पिंगला और बीच में सुसुमना नाड़ी है ये देवतुल पुरुषों की चलती है जैसे गुरु नानक देव जी थे उनकी ये नाड़ी चलती थी मां नानकी की चलती थी सीता जी की चलती थी जो महान थे पैगंबर साहब थे उनकी ये 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 चलती चलती है और हमारे जीवन में ये दो हैं 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 या तो तो पीछे की सोचते ये इच्छा करते तो बैक साइड चले जाते हैं तो उससे बीपी लो रहता है और अगर दाए की भविष्य की सोचते हैं आगे की तो ये सूर्य नाड़ी है जब ये तेज चलती है तो इससे हमारा आगे का सोचने से बीपी हाई हो जाता है और बीपी हाई जो होता है वो अंदर से होता है अगर इसको बीपी हाई को हम आकाश तत्व से भी ठीक कर सकते हैं ये आप प्रैक्टिकल दूंगा और इसको लेफ्ट साइड की इसमें असाध्य रोग ज्यादा हो जाते हैं जिनका इनक्योरेबल जिनको कोई इलाज डॉक्टर के पास नहीं ना किसी हॉस्पिटल के पास है तो इसको हम कैंडल से या मोमबत्ती से ठीक करते हैं क्योंकि ये ठंडी ज्यादा पड़ जाती है तो बीपी लो हो जाता है उसे डिप्रेशन होता है और ऐसी बीमारी हो जाती है जिनका इलाज दुनिया में नहीं है डॉक्टर के पास साइकोस्मेटिक डिजीज होते हैं तो इसको हम एक कैंडल मोमबत्ती से और पृथ्वी तत्व इस्तेमाल करते हैं दवाई नहीं देते हैं और जब ये पॉजिटिव एनर्जी जो आप देख रहे हैं जब ये इस नव से निकलेगी तो आपको ठंडी अगर ये महसूस होती है तो समझिए कि अब आपकी तकलीफ घर पर ही ठीक होगी किसी डॉक्टर की किसी के पंडित जी की जरूरत नहीं है और अगर ये गरम आ रही है तो समझिए कि इस नाड़ी में निगेटिव एनर्जी ज्यादा बन रही है प्रूफ है ये आपके पास वो तो ठीक है लेकिन कुछ जोगा आप बता रहे थे योग साधना का उसके बारे में बताओ कि मनुख क्या करे कौन सी तकलीफ में कौन सा योगा ठीक रहेगा जो योगा की बात कर रहे हैं पहली बात तो ये है पतंजलि ऋषि ने ये अष्टांग योग की बात करी थी और आज जो योगा कर रहे हैं ये एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी को भी योग नहीं है अगर योग हो जाए योग योग का मतलब क्या है योग माने जुड़ना सहज योग सहज सह माने साथ साध माने जन्म हुआ योग माने मिलन जब दो चीज जुड़ेंगी उसको योग बोलते हैं एक्सरसाइज को योग नहीं बोलते हैं और इसमें अष्टांग योग है जैसे पहला है अगर आप पहले रीति रिवाज पे जाएंगे तो आपको इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए 10-20 साल 40 साल भी लग सकते हैं लेकिन अगर आप सहयोग करते हैं तो आपको इस पॉजिटिव एनर्जी से मिलने के लिए एक घंटा भी लग सकता है चार महीने भी लग सकते हैं और छह भी लग सकते हैं और नहीं हुई आपके अंदर तो दस साल पचास साल भी लग सकते हैं तो जितना रामदेव बड़े बड़े जो शिविर लगाते थे

ये सात निशान आप देख रहे हैं उर्दू में भी इनके अलग अलग नाम है कोई मुस्लिम भाई हो तो बताए मैं नाम बताऊंगा नहीं तो हिंदी में बताऊंगा फिर तो ये जो है ये मेडिकल में पेब्लिक प्लेक्सिस ऑर्टिक सोलर कार्डिक सर्वाइक्रल ऑफा और एरिया ये मेडिकल के नाम है और हिंदी में इनको चक्र बोलते हैं मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान नाभि अनहत विशुद्धि आज्ञा और ब्रह्मरंथ अब पहला अष्टांग योग है फर्स्ट ये आठ योग होने होने चाहिए लेकिन ये श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया इन्होंने बहुत आसान कर दिया क्योंकि जब कोई सूफी कोई अवतार गुरु आता है तो किसी भी कठिन चीज को आसान करता है पहचान है उसकी पहले अगर किसी से आप बात करें कि ये जागृति चाहिए मुझे तो आप देखिए वो ये कहेगा यही बात मत करिए बाकी चौक करिए रामदेव जी से भी पूछा था किसी ने गुड़गांव में कि के मुझे केवल आत्म साक्षात्कार चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए उन्होंने कहा ये केवल श्री माता जी निर्मला देवी दे सकते या उनका शिष्य मैं नहीं दे सकता हूं मैं एक्सरसाइज बताता हूं हो हो ना हो गारंटी नहीं है लेकिन हम गारंटी देंगे अगर वो डेली करते हैं परिवार के साथ बैठ के घर पर तो मैं लिख के दे दूंगा कि उसको फायदा होगा घर पर किसी डॉक्टर के पास जाने की या पंडित जी के पास पत्रा दिखवाने की जरूरत नहीं है तो जो पहला है जिस आदमी का ये कमजोर है समझिए उसको कोरोना लगे ही लगे उसकी मजबूरी आ जाएगी और तीसरा ये जिस आदमी का ये कमजोर पड़ गया नाभि चक्र गुरु तत्व उसको भी पकड़ेगा और जिन लोगों के ये दो अच्छे होंगे चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे किसी भी मर्ज का हो संप्रदाय का हो उसको करोना नहीं लगेगा क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी इन दो को क्लीन कर देगी तो आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ रहेगी और जो आदमी स्वस्थ रहता है उसको करोना टच नहीं करेगा जो दवाई त, दवाई इस्तेमाल करता है इसका मतलब कोई मर्ज जरूर है अगर दवाई नहीं खा रहा है और वो पॉजिटिव एनर्जी डेली दस पांच मिनट बैठ के और इसका प्रैक्टिकल करता है और ये हाथों से और सर से महसूस होती है पैरों से भी आएगी और जहां शरीर में कोई भी तकलीफ होगी वहां इतनी तबीयत गदगद हो जाएगी इतनी ठंडक आएगी जैसे आइस पैक को हाथ में रखते हैं तो उसको तुरंत फेंक देते हैं ज्यादा उसका मिनट में बता बता दो जो जो टिप है आप रहे हैं निकल। एनर्जी का इसमें क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना आप पहले जूता निकाल लेंगे और क्योंकि धरती माँ जो इसमें काम करेगी आने वाले टाइम में 50 परसेंट शरीर की तकलीफ परेशानी धरती लेगी और 50 परसेंट आकाश तत्व लेगा जिस समय पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाती है तो दोनों हाथ ऐसे पृथ्वी पर रख दीजिए और पांच मिनट के लिए दिल से कह दीजिए कि परमात्मा अगर आप इस धरती पर दोबारा से मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं और जो मैंने देखा है माता जी निर्मला देवी का अगर आप ही फातिमा थी और आप ही नानकी थी पिछले युगों में तो मुझे मेरे पृथ्वी तत्व से ही मुझे आराम कर दीजिए मेरे शरीर में जैसे ही आप बोलेंगे दिल से केवल दो मिनट या चार इसमें ना नहाना है ना, ना खाना कोई मर्जी खाइए कोई रुकावट नहीं तो जैसे ही आप बोलेंगे तुरंत आपको अपने आप कुछ हाथों से ऐसे लगेगा कि पृथ्वी की तरफ कोई हीट शरीर से निकल रही है और उसके बाद दोनों हाथ ऐसे सामने कर दीजिए और आकाश की तरफ है तो ऐसे खोल के देख लीजिए और दो मिनट के लिए कह दीजिए कि परमात्मा आप निराकार में भी हैं और साकार में साकार में मैंने आपको पहले टच कर लिया है ये चरण कमल है चाहे वो गुरु नानक देव जी के समझो चाहे वो श्री कृष्ण के समझो चाहे पैगंबर, जो मर्जी समझो ये पृथ्वी तत्थ साकार है दोनों हाथ ऐसे करके फिर आकाश की तरफ देख के यहाँ पे आप आकाश का मंत्र भी ले सकते हैं इबादत भी कर सकते हैं कि हे परम परमात्मा जो आपकी निराकार शक्ति है जो पूरे विश्व को चलाती है अब मुझे उसका आशीर्वाद दीजिए जैसे बाला मरदाना साहब को दिया था गणेश जी को दिया था हुसैन को दिया था जीसस क्राइस्ट को जिसका मर्जी नाम लीजिए तो तुरंत क्योंकि ये सारी तैतीस पावर तैतीस हजार करोड़ पावर है इसके यहां से ये ऊपर उठती है पहले शुरू में दो चार उठेंगे बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाएंगे और जो आप आम लोग हैं पॉजिटिव के बारे में वो क्या करें जो जेब ना करें जो आपने जो टिप्स बताया और वो कर्म करें उसके बारे में बता दो थोड़ा कि लोग अपना जो जीवन है अच्छा कैसे बना सकते हैं दूसरा जो तंत्र के हैं खंडी हैं लोग फूक जैसे खूब मार्केट ही करने वाले हैं जैसे एक और है वो बता देता है कि जलेबी खाओ वो बता देता है रसगुल्ला खाओ वो बता तो देता है घर में पौड़ी रख लो उसका भी इसमें भी है कि वो उप करते हैं बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सरदार जी देखिए आप कभी इस प्रोग्राम को रखिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज संसार को बचाने वाले आप लोग हैं आज मीडिया जो है वो इस संसार में से अच्छे लोगों को बचा सकती है क्यों क्योंकि वो दुनिया को बता सकती है कि आज क्या हो रहा दुनिया उसको देखती है हमें आज 25-30 साल हो गए इस काम को करते लेकिन दुनिया नहीं जानती हमको अगर इसी काम को हम ऐसे करते जैसे दुनिया करती है कि समोसा खाओ और रसगुल्ला खाओ तो अब तक दुनिया हमारे पास नोट बरसाती लेकिन हम करते क्या बीमार पड़ जाते एक भी गुरु इस दुनिया में पूरे संसार में मुझे मिला दीजिए कि यह दवाई नहीं खाता है और बिना दवाई के रहता है तो वो क्या बताएगा दूसरे को कि तू रसगुल्ला खार समोसे से ठीक हो जाए वो कभी हो ही नहीं सकता नहीं तो मुझे मिलाओ और यहां कमरे में बंद करके मैं उसका किराया भाड़ा हम देंगे और हम चेक करेंगे कैसे होता है मैं सबके पास घूमा हुआ हूं मुझे तो कोई मिला नहीं अभी तक क्या ब्रह्म कुमारी क्या आर्य समाज क्या राधा स्वामी सब जगह धक्का खाए हैं और लास्ट में ये सहयोग में आज चैलेंज के ऊपर बात है कोई भी मरीज ले आइए और सबको बुला लीजिए मरीज एक ही होगा एक ही मर्ज का आदमी होगा लेकिन जो लोग होंगे वो अलग अलग होंगे जो आदमी अपनी शक्ति रखता है किसी भी तरह की ब्रह्म शक्ति जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं वो कमरे में उस मरीज को ठीक करें मर्ज एक होगा सर्जन एक होगा और उसके आध्यात्म गुरु अलग अलग होंगे जो पहले ठीक करे बिना दवाई के और आराम हो जाए और मरीज बोले हाँ मुझे आराम है तो तब उसको असली गुरु मानिए वो सदगुरु है चाहे वो बच्चा क्यों ना हो चाहे कोई स्त्री पुरुष हो लेकिन जो बाबा के पास जाते हैं कान में मंत्र लेते हैं रट्टा लगाते हैं मैं देखता हूं बड़े बड़े जनरल कर्नल शनिदेव के मंदिर में आगे बैठते हैं एक भी शनिदेव के मंदिर में पुजारी या जो भत्था टेकता है मुझे मिला दो कि ये सुखी है शनिदेव है क्या शनिदेव बाला मरदाना का नाम था शनिदेव जो थे गणेश जी थे उनको नाम बदल दिया तो उन्होंने शनि कर दिया ये शनि ये है अगर ये चक्र आपका ठीक है तो आपको कोई शनि देव की जरूरत नहीं है ना कोई दोष ना ग्रह चढ़ सकता लाश्ट, लाश्ट मेरा। चक्र कैसे ठीक होगा आप बताओ। ये चक्र होगा पृथ्वी तत्व से और सबसे पहले जो काम होगा वो आत्म साक्षात्कार दिया जाएगा उसके बाद ये ठीक होगा अगर उससे पहले ये आत्म साक्षात्कार नहीं देते हम लोग तो कुछ भी नहीं होगा चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले आत्म साक्षात्कार केवल सदगुरु चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो वो दे सकता जैसे गुरु नानक देव जी थे वो सदगुरु थे अवतार थे साधारण नहीं थे जैसे पैगंबर आए श्री राम आए कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने ये सारे कार्य निःशुल्क किया था पैसे पे नहीं किया किसी आज जो कर रहे हैं ये सब पैसे पे कर रहे हैं दौलत इकट्ठी कर रहे हैं बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं ऐसी लगे हुए हैं क्या मतलब है अगर आप किसी से पूछ लो बिना आत्म साक्षात्कार के अगर कोई एक आदमी भी ऐसा मिल जाए जो ठीक हो जाए आत्म साक्षात्कार दे दीजिए वो अपने घर पे ही ठीक होगा उसे जरूरत क्या किसी से पूछने की वो ग्रह दु, दुनिया की बता देगा दो मिनट में और ग्रह उतार देगा चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कोई भी पॉजिटिव एनर्जी मिल नहीं सकती आत्म साक्षात्कार के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी घर पर फायदा करेगी वो ब्रह्म शक्ति है वही रूह है और वही सुरती है जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सुरती चढ़ी कमाल कमाल कम ये दसवा द्वार जब ये चालू, चालू हो जाएगा तो आपको एक टेबलेट की जरूरत होगी नहीं होगी और किसी पे भी आप हाथ रख देंगे अपना कोई भी जो यहां देख रहे हैं जिसके पास ये आ जाएगी वो जिस पे हाथ रख देगा उसी को आराम होगा घर को बाहर पैर रखते ही बता देगा इस घर में काली विद्या है या नहीं है इसमें क्या बीमारी ज्यादा चल रही है अपने आप बताएगा और साधारण इंसान बताएगा तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है रिक्वेस्ट है कि आप इसको

ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅਨਲਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਿੰਦਰ ਸੂਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ